गुड मॉर्निंग क्लास, योर फर्स्ट चैप्टर इज लाइव प्रोसेस। देन आई एम स्टार्टिंग टू लाइव प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव प्रोसेस, द प्रोसेस विच कलेक्टिवली परफॉर्म द मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी सिस्टम आर नोन एज लाइव प्रोसेस। मीन्स जो वो सारे प्रोसेस जो हमारे बॉडी सिस्टम के मेंटेनेंस को बनाए रखते हैं, उन सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइव प्रोसेसेस। अब लाइव प्रोसेस में सबसे पहले क्या है हमारा, न्यूट्रिशन। कैन न्यूट्रिशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोस एक्टिविटीज। न्यूट्रिशन क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल दोस एक्टिविटीज विच आर एसोसिएटेड विथ ऑब्टेनिंग फूड बाय लिविंग बींग्स। मीन्स न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं जो ऑर्गेनिज्म द्वारा फूड को इनटेकिंग करने में या उसको डाइजेशन करने में इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट, अब हम न्यूट्रिशन जब करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट मिलते हैं। न्यूट्रिशन के थ्रू हमें क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट मिलेंगे। न्यूट्रिएंट क्या है, कह रहे हैं फूड मस्ट कंटेन सब्सटेंसेस यूजेबल एंड बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। मींस जो हमारा फूड होता है उस फूड में हमारे सब्सटेंसेस यूजली इन्वॉल्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए गुड होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी हेल्प करते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट जो है उन्हें दो पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट हमारे क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, और सेकेंड हमारे क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, कह रहे हैं फॉर्म बल्क ऑफ अवर फूड, यानी जो हमारे फूड का क्या बनाते हैं, बल्क पार्ट बनाते हैं, ज़्यादा मात्रा में पार्ट बनाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए और फैट्स हो गए, ये हमारे फूड का बल्क पार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट हम इसी साथ बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उन्हें बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, कह रहे हैं फॉर्म स्मॉल अमाउंट ऑफ अवर फूड, जो हमारे फूड का बहुत स्मॉल अमाउंट फॉर्म करते हैं। एंड दीज आर विटामिन मिनरल्स एंड वाटर। तो जो विटामिन मिनरल एंड वाटर हैं वो हमारे फूड का बहुत थोड़ा अमाउंट फॉर्म करते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन जो है उसमें कितने स्टेप्स हैं हमारे और कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, यानी हमारा जो न्यूट्रिशन है वो पूरा न्यूट्रिशन प्रोसेस हमारा 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो न्यूट्रिशन में हमारे 5 स्टेप हैं। पहला है इंजेशन, मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इनसोल्युबल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल सोल्युबल मॉलिक्यूल्स, यानी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंजेशन में हम लोग फूड इनटेकिंग करते हैं और फूड इनटेक करके हम बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लेते हैं। नेक्स्ट डाइजेशन, डाइजेशन मींस क्या होता है, डाइजेशन एक कन्वर्जन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स और इनसोल्युबल फूड पार्टिकल्स को हम लोग इस सिंपल और सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्प्शन है, जो हमारा डाइजेशन के बाद हमारा न्यूट्रिक सब्सटेंस या न्यूट्रिएंट्स हमारे बने होते हैं उनको बॉडी द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, हम उसको ऑब्जर्प्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मींस क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव फूड या जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो हमारे ऑब्जर्व हो चुके हैं, उन ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स का सेल के सेल साइटोप्लाज्म में मिलना, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स का आकर मिक्स होना, दिस इज नोन एज एसिमिलेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंजेशन, यानी जो डाइजेशन के बाद डाइजे